एवरी वन वेलकम टू माई न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दैप्टर कॉनिक सेक्शन एंड टॉपिक नेम इज हाइपर बोला तो हाइपर बोला जो एन सी आर टी एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट फोर में है इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आंसर्स हम सारे करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइपर बोला क्या होता है uh, बिल्कुल जैसे इलिप्स था वैसा ही वैसी ही डेफिनेशन है बस यहाँ इलिप्स में सम होता था और यहाँ पे है डिफरेंस ठीक है तो बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसिज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कॉन्स्टेंट तो जैसे हाइपर uh, इलिप्स में क्या था कि टू पॉइंट से टू फिक्स पॉइंट से हमारे जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या रहती थी उनका सम कॉन्स्टेंट रहता था और यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट रहेगा डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पॉइंट है हमारा P1 वन और दो फिक्स पॉइंट है हमारे S डैश एंड S तो ये जो पी वन माइनस पी वन डैश मान लीजिए ये अल्फा के इक्वल है ठीक है ऐसे ही हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाएगा P2 तो यहाँ पे जो पी टू एस माइनस पी टू एस डैश ये भी किसके इक्वल होगा अल्फा के इक्वल होगा ठीक है डिफरेंस क्या रहेगा कांस्टेंट और यहाँ पे हमारा पॉइंट है थर्ड पी थ्री तो यहाँ पे हम पी थ्री एस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमें बिगर में से स्मॉल डिस्टेंस को माइनस करना है ठीक है तो पी थ्री एस डैश माइनस पी थ्री एस ये भी किसके इक्वल होगा एल्फ़ा के इक्वल होगा ठीक है तो अगर मैं ऐसे पॉइंट को के पाथ को प्लॉट करूं कि पॉइंट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी जो टू फिक्स से टू फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट तो ये जो प्लॉट हमारा बनेगा ये जो ग्राफ ये जो ग्राफ हमारा बनेगा पॉइंट का जो पाथ बनेगा वो क्या होगा हाइपरबोला ठीक है अब एक हाइपरबोला में क्या क्या होता है एक हाइपरबोला में एक दो तो टू फोकस होते हैं ठीक है एस एंड एस डैश तो फोकस टू हैं तो इसलिए हम इसे बोलेंगे फोकाई, फोकाई ऑफ हाइपरबोला, फोकाई इज़ द प्लूरल ऑफ फोकस ठीक है और दो ही यहाँ पे क्या होते हैं वर्टेक्स होते हैं ठीक है और ये जो लंबे वाली एक्सिस होगी बड़े वाली जो एक्सिस होगी इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक है एलिप्स में हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बोलते थे बस यहाँ पे चेंज यही आया है कि जो बिगर एक्सिस है लॉन्गर एक्सिस है वो होगी ट्रांसवर्स एक्सिस और जो शॉर्ट एक्सिस होगी वो होगी कंजुगेट एक्सिस ठीक है कंजुगेट एक्सिस ठीक है और जो हमारा हाइपर बोला है जो ट्रांसवर्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है टू पॉइंट्स पे करेगा तो वो क्या होंगे हमारे वर्टिसेस दैट मीन्स वर्टेक्स वर्टेक्स का प्लूरल दो वर्टेक्स हैं तो इसीलिए बोला जाता है वर्टिसेस। अच्छा सेंटर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं और अगर ओरिजिन होगा तो हम इसे ओ से डिनोट करेंगे नेक्स्ट फिक्स पॉइंट जो होते हैं वो हमारे होते हैं वो कई ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला के यहाँ पे टू फोकस हैं एस डैश एंड एस मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग एस और एस डैश का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा सेंटर जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं लाइन थ्रू फोकस फोकस से जो लाइन पास हो रही होती है लॉन्गर लाइन जो पास हो रही है उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक है और जो लाइन जो है सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स एक्सिस के ये वाली लाइन ये होगी हमारी कॉन्जुकेट एक्सिस आई होप आपके क्लियर हो गया होगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट द पॉइंट्स एट विच हाइपर बोला ये तो हो गया वर्टिसेस तो हो गए अच्छा जो फोकस होगा फोकस के कोर्डिनेट होंगे हो हमारे जो पॉजिटिव साइड में है जैसे ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव साइड में है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सी रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो रहेगा ओब्वियसली क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ऐसे ही जो वर्टेक्स है वो होगा ए कोमा ज़ीरो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ऐसे ही नेगेटिव साइड में जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस सी कोमा ज़ीरो तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस सी कोमा ज़ीरो और वर्टेक्स वर्टिसिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा प्लस माइनस ए कोमा ज़ीरो एक बार प्लस में ए कोमा ज़ीरो और एक बार माइनस ए कोमा ज़ीरो ठीक है अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं जो आ, ओरिजिन से जो वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो है कितनी ए और ओरिजिन से जो फोकस की डिस्टेंस है वो कितनी है सी ठीक है और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है ए एंड ए डैश तो यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से ए uh, डैश से ओ तक कितना हो गया ए और ओ ओरिजिन से फिर ए तक कितना हो गया ए तो ए प्लस ए टू ए तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो होगी टू ए और जो हमारी जो ये वाली एक्सिस है हमारी कंजू uh, एक्सिस इसकी जो लेंथ होगी वो होगी टू बी अब बी कैसे फाइंड करेंगे सी तो फोकस से आ गया आपके पास ए आपको वर्टेक्स से मिल जाता है तो बी का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा देखिए यहाँ पे होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इलिप्स में यहाँ पे माइनस होता था पर जो हमारा हाइपर बोला है यहाँ पर क्या होगा प्लस इसी फॉर्मूला से हम बी एक साइड में रख लेंगे और ए स्क्वायर दूसरी तरफ जाके सी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए हाँ जो सी होता है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए ठीक है जो हमारा यहाँ पे फोकस की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ठीक है सी जो है वो हमेशा ए से बिगर होगा ये रिजल्ट हम एक क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे तो इसी मैं इसको बता रहा हूँ चलिए आगे चलते हैं असेंट्रिसिटी असेंट्रिसिटी क्या होता है सेंट्रिसिटी इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन दैट मीन्स सी एंड द डिस्टेंस ऑफ वर्टिस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज़ ए तो सी बाय ए एलिप्स में भी था और हाइपरबोला में भी सेंट्रिसिटी क्या होगी सेम ठीक है अब सी की वैल्यू जो होती है वो हाइपरबोला में डिफरेंट होती है यहाँ पे प्लस आ जाता है तो इसलिए जब यहाँ पे हम सी की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तब इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी अगर आप सी और ए की फॉर्म में देखेंगे तो इसेंट्रिसिटी सेम है और जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे फोकई के वो होगा जीरो प्लस माइनस सी को मां जीरो दैट और यहाँ पे जो सी होता है इस फॉर्मूला से सी अगर एक तरफ रख लें तो सी जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो बच्चों अगर हाइपरबोला हमारा x एक्स एक्सिस जो ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस पे है ठीक है दैट मीन्स फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे है तब हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्सक्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है इसमें कोई ग्रेटर देन लेस देन का कोई चक्कर नहीं है डिनोमिनेटर को देखने की ज़रूरत नहीं एलिप्स में हमने देखा था कि हाँ जी एक्स एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बिगर है तो ट्रांसवर्स एक्स इज वही होगी नहीं यहाँ पे आपको जस्ट ये देखना है फोकस कहाँ पे है ठीक तो है तो एक्स स्क्वायेयर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बीच में माइनस है एलिप्स में प्लस था हाइपरबोला की जो सेकेंड फॉर्म है दैट मीन्स जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी तो उस समय पर जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी वाई स्क्वेयर अगर आपका फोकस वाई एक्सिस पे है दैट मीन्स आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है ए ए डैश वाई एक्सिस पे है तो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायेयर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेयर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन यहाँ पर चेंज आ रहा है ठीक है इलिप्स में यहाँ पे एक्स रहता था यहाँ पे एक्स और वाई की पोजीशन चेंज कर देंगे हम बस हाइपर बोला में एक्स और वाई की पोजीशन चेंज होती है और इलिप्स में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की पोजीशन चेंज होती है ठीक है तो ये हाइपर बोला है ध्यान रहे सेकेंड फॉर्म में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ठीक है और ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं ऐसे ही हमारे फर्स्ट फॉर्म में भी ये जो रेड कलर से मैंने रोकी हैं ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव साइड में है तो ए बाई e और नेगेटिव साइड वाले के लिए माइनस ए बाई ई सिमिलर टू इलेप्स ये समरी है स्टैंडर्ड uh, इक्वेशन अगर आपका एक्स एक्सिस के राउंड है ट्रांसवर्स uh, एक्सिस तो उसमें एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉन बी स्क्र इज इक्वल टू वन और अगर आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र पॉन बी स्क्र इज इक्वल टू वन सेंटर जीरो जीरो वर्टिसेस जो रहेंगे वो रहेंगे प्लस माइनस ए कोमा ज़ीरो और अगर वो वर्टिस वाई एक्सिस पे हैं तो ज़ीरो कोमा प्लस माइनस ए एंड फोकस के कोऑर्डिनेट रहेंगे वर्टिस uh, के तो प्लस माइनस ए कोमा जीरो अगर एक्स एक्सिस पे है और सेकंड फॉर्म के लिए जीरो कोमा प्लस माइनस ए फोकस होगा प्लस माइनस ई कोमा ज़ीरो और ज़ीरो कोमा प्लस माइनस सी सेकेंड फॉर्म के लिए बिल्कुल इलिप्स जैसा ही है वर्टिस और फोकस इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर ट्रांसफर्स uh, एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ल, अलोंग है यहाँ पे तो y इक्वल टू ज़ीरो होगा ठीक है और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो लंबे वाली एक्सिस जो है वो y एक्सिस के अलोंग है है ना तो x इज इक्वल टू ज़ीरो कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस है तो एक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस है सो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस टू ए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस टू बी दोनों के लिए ठीक है एलिप्स में भी सेम था वहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थे यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस हैं ट्रांसवर्स एक्सिस टू ए और कॉन्जुगेट एक्सिस टू बी एक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम एज दैट ऑफ एलिप्स जैसी एलिप्स की थी बिल्कुल सेम है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बिल्कुल डिटो जैसी इलिप्स में थी बिल्कुल सेम है टू बी स्क्वायर अपन ए तो चलिए अब हम रेडी हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल फोर्टीन एग्ज़ाम्पल फोर्टीन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस बताना है वर्टिसेस बताने हैं इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चार चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है इक्वेशन आपको टू पार्ट्स में है ये क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है एक्सक्वायेर अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू वन ठीक है तो गिवन इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्र अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायेर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू वन अब ये जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्र पहले आ रहा है अब एक्स स्क्र पहले आ रहा है दैट मीन्स ये फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म बोले तो जो हमारा हाइपर बोला है वो एक्स एक्सिस के उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के लोंगे ठीक है तो इसमें जो हमारा फोकस होगा वो होगा प्लस माइनस सी कोमा ज़ीरो ठीक है और जो हमारे वर्टेक्स होंगे वो होंगे प्लस माइनस ए कोमा ज़ीरो चलिए अब सी ओ ए और बी फाइंड करते हैं क्वेश्चन से क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्वायर अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन तो ये होगा ए स्क्वायर और ये होगा बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर जो है वो नाइन के इक्वल है और दैट मीन्स ए कितना होगा थ्री और बी स्क्वायर जो है वो सिक्सटीन के इक्वल है दैट मीन्स बी कितना होगा फोर तो ए आ गया बी आ गया अब हमारा फर्ज बन जाता है सी फाइंड आउट करना तो सी का जो फॉर्मूला है सी इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर नाइन और बी स्क्वायर है सिक्सटीन प्लस किया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा फाइव तो आपको तीनों मिल गए हैं ए बी एंड सी तीनों के मिलते ही समझो क्वेश्चन हो गया फोकस होगा प्लस माइनस सी को माँ जीरो दैट मीन्स प्लस माइनस फाइव को माँ ज़ीरो वर्टिस में प्लस माइनस ए को माँ जीरो दैट मीन्स प्लस माइनस थ्री को माँ ज़ीरो इसेंट्रिसिटी के लिए सी को ए से डिवाइड करना होता है सी बाई ए तो सी है फाइव है ना और ए है थ्री तो फाइव बाई थ्री यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी रहेगी इलिप्स के हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन वन होती है वन से बड़ी इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन वन होती है चलिए और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टू बी स्क्र अपन ए टू बी कितना है यहाँ पे देख लीजिए बी कितना है सिक्सटीन तो टू इन टू सिक्सटीन बाई थ्री सिक्सटीन टू जा थर्टी टू बाई थ्री यूनिट्स ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है लेंथ है डिस्टेंस है तो इसीलिए हम यूज करेंगे यूनिट्स तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल फोर्टीन का फर्स्ट पार्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में एग्जाम जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से दी गई है अब हमें पता है जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है उसमें राइट हैंड साइड में हमें वन बनाना होता है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन को डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय सिक्सटीन ऑन बोथ साइड तो सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो वन बन ही जाएगा सिक्सटीन बाई सिक्सटीन वन ठीक है तो वाई स्क्वायर पोन सिक्सटीन और यहाँ पे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर को जब हम सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो सिक्सटीन से सिक्सटीन कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा वन तो ये हो गया वाई स्क्वायर पोन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर पहले आया है दैट मीन्स हमारी ये सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म किस टाइप की होती है जिसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस के लोंग होती है ठीक है और सेकेंड फॉर्म में फिर यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेंगे ए स्क्वायर कितना है सिक्सटीन तो ए कितना होगा फोर बी स्क्वायर है वन तो बी भी कितना होगा वन ए मिल गया b मिल गया c का फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन तो c आ जाएगा अंडर द रूट सेवनटीन ए बी सी तीनों मिल चुके हैं तो अब हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो फोकस अब हमारा जो ये इक्वेशन है जो सॉरी हाँ इक्वेशन जो है उससे हमें फॉर्म पता चल गई थी और यहाँ पे जो फोकस होंगे वो वाई एक्सिस पे होंगे तो प्लस माइनस जीरो कोमा प्लस माइनस सी ठीक है तो सी की वैल्यू रख देंगे जीरो कोमा प्लस माइनस अंडर रूट सेवेंटीन ऐसे ही वर्टिस ज़ीरो कोमा प्लस माइनस ए यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे हमें ए की वैल्यू पता ही है फोर है ठीक है तो ज़ीरो कोमा प्लस माइनस फोर और इसेंट्रिसिटी के लिए सी बाय ए सी बाय ए मीन्स अंडर रूट सेवनटीन फोर ठीक है सी की वैल्यू अंडर रूट सेवनटीन आई है और ए की वैल्यू कितनी आई है फोर और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन ए तो टू इंटू बी स्क्वायर कितना था वन टू इंटू वन अपॉन फोर तो ये टू से फोर जो है कैंसल हो के अपॉन में टू बचेगा है ना तो वन बाय टू सिंपल चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक में इक्वेशन दी जाती है आपको फैक्ट्स फाइंड करने होते हैं और दूसरे में आपको फैक्ट्स दिए गए कंडीशंस दी गई होंगी और आपको क्या फ़ाइंड करना होगा इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी ठीक है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला हाइपरबोला की इक्वेशन फ़ाइंड करनी है गिवन दैट फई फोकई दे रखे हैं जीरो कोमा प्लस माइनस थ्री और वर्टिस दिए गए हैं जीरो कोमा प्लस माइनस अंडर रूट इलेवन टू ठीक है अंडर रूट इलेवन बाई टू सिंपल सी बात है आपका जो फोकस है वो जीरो कोमा प्लस माइनस थ्री दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पे है ठीक है तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला ठीक है और दूसरी बात फोकस से हमें क्या मिलता है सी और वर्टिसिस से हमें क्या मिलता है ए तो सी हो गया हमारा थ्री और ए है हमारा अंडर रूट इलेवन बाई टू तो यहाँ पे आपके पास सेकंड फॉर्म की इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर वन C है थ्री और A है अंडर रूट इलेवन बाई टू जब आपको C पता है A पता है और ये फॉर्मूला पता है तो आप b तो फाइंड कर ही लोगे ठीक है तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो गया माइनस तो यहाँ पे C की वैल्यू रखी थ्री स्क्वायर माइनस अंडर रूट इलेवन बाई टू का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन अंडर रूट इलेवन बाई टू का स्क्वायर हो गया इलेवन बाय फोर ठीक है तो एल्शियम लिया फोर और ये नाइन फोर था थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स माइनस इलेवन हम करेंगे ठीक है फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा ना इलेवन इलेवन करेंगे तो आएगा थर्ट ट्वेंटी फाइव बाई फोर दैट मीन्स बी जो आएगा वो आएगा फाइव बाई टू तो आपको ए पता है अंडर रूट इलेवन बाई टू और बी है फाइव बाई टू दोनों की वैल्यूज़ हम रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में ठीक है और दोनों की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे ए का स्क्वायर कितना आएगा इलेवन बाय फोर और बी का स्क्वायर आएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर ठीक है दोनों के पॉन में फोर है तो फोर ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होके ठीक है तो यहाँ पे है ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे है इलेवन दोनों का एल्शियम जब हम लेंगे तो एल्शियम आएगा टू हंड्रेड फाइव ठीक है टू सेवेंटी फाइव को जब हम इलेवन से क्या करेंगे इस वाले 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा हंड ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव फोर जार हंड्रेड और टू सेवेंटी फाइव को जब हम ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमें हमें मिलेगा 11 और 11 फोर जार फोर्टी फोर ये वाला जो टू सेवेंटी फाइव है दूसरी तरफ जा आपके वन से हो जाएगा मल्टीप्लाई सॉरी इक्वेशन रॉन्ग है यहाँ पर आएगा टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है तो आपकी क्वेश्चन रेडी हो जाएगी नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है एग्जांपल नंबर सिक्सटीन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वेयर फोकस फोकई दी गई है जीरो कोमा प्लस माइनस ट्वेल्व एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है थर्टी सिक्स तो फोकई से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं ठीक है फोकस से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं पहला यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और वाई की वैल्यू है ट्वेल्व प्लस माइनस ट्वेल्व दैट मीन्स हमारा जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे सिचुएट है ठीक है दैट मीन्स हाई बोला फॉर्म नंबर टू और उसकी इक्वेशन होगी ये वाई स्क्वायर पोन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पोन बी स्क्र इज इक्वल टू वन ठीक है तो फोकस से पता चला और फोकस से हमें दूसरी चीज़ पता चलती है सी क्योंकि फोकस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी जीरो कोमा प्लस माइनस सी तो सी की वैल्यू है ट्वेल्व ठीक है इक्वेशन बन गई और सी की वैल्यू आ गई अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है थर्टी सिक्स अब थर्ट इसका यूज़ करके हम बी फाइंड करेंगे ठीक है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है टू बी स्क्वायेयर अपोन ए जो कि कितना है गिवन है थर्टी सिक्स के इक्वल तो यहाँ से अगर मैं टू बी स्क्र फाइन करूँ एक तरफ रखूँ तो ए जो है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्टी सिक्स ए और टू अपॉन में जाएगा तो ये बचेगा एटीन ए तो बी स्क्र जो है वो किसके इक्वल है एटीन ए के इक्वल है ठीक है अब हमें पता है ये फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इसमें हम सी स्क्वेयर की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी थी ट्वेल्व तो ट्वेल्व का स्क्वायर कितना हो गया वन हंड्रेड फोर्टी फोर ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा और बी स्क्र की प्लेस पर हम रखेंगे एटीन ए ऊपर से आया ना एटीन ए तो एटीन है ठीक है तो ए स्क्वायर एटीन ए और ये वन हंड्रेड फोर्टी फोर दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो ये बन गई है आपकी इक्वेशन इस डिटी की क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से तो आपके पास एक की टू वैल्यूज आएंगी पहली वैल्यू है माइनस ट्वेंटी फोर और सेकेंड वैल्यू है सिक्स अब एक आंटमी नेगेटिव ए नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि तो ए जो है वो क्या है ए हमारे पास है हाइपरबोला की हाइपर के जो वर्टेक्स हैं उसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस ठीक है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते ठीक है तो इसीलिए कांट भी नेगेटिव तो ए की वैल्यू आएगी सिक्स ठीक है तो जब ए की वैल्यू है सिक्स तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एटीन ए तो यहाँ पे एटीन को सिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा वन हंड्रेड एट और ये बी का स्क्वायर था वन हंड्रेड एट आया तो बी कितना आएगा अंडर रूट वन हंड्रेड एट तो आपको ए पता है बी पता है बधाई हो आप दोनों की वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर देंगे इक्वेशन वन थी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे हम सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स आ जाएगा और अंडर रूट वन हंड्रेड एट का आ जाएगा वन जीरो एट स्क्वायर से अंडर रूट ठीक है ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है आप चाहें तो इसका एल्शियम लेके सेम प्रोसेस से ये वाली इक्वेशन बना सकते हो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन इसमें आपको वही है कि आपको इक्वेशन दी गई है और आपको इसके जो फैक्ट्स हैं जो कंडीशंस हैं वो फाइंड आउट करनी है जैसे फोकस वर्टिसेस सेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चार चीज़ें फाइंड करनी होती है वही करना है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर पहले है दैट मीन्स ये होगा ए स्क्वायर और ये होगा बी स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर है तो ए कितना होगा फोर और ये नाइन जो है वो मेरा बी स्क्वायर है तो बी कितना होगा थ्री ए मिल गया बी मिल गया इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी कितना आ गया फाइव ए बी सी तीनों के मिलते ही आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो जैसे हम यहाँ पे करेंगे पहले फोकई ठीक है तो फोकई होगी अब इक्वेशन जो है मेरी फर्स्ट फॉर्म की है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले है तो फर्स्ट फॉर्म में फोकस जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा तो प्लस माइनस सी को जीरो दैट मीन्स प्लस माइनस फाइव को ज़ीरो क्योंकि सी की वैल्यू है फाइव ऐसे ही वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे होंगे तो प्लस माइनस ए को जीरो और ए की वैल्यू है फोर तो प्लस माइनस फोर को जीरो असेंट्रिसिटी असेंट्रिसिटी के लिए सी को ए से डिवाइड करना होता है तो फाइव को हम फोर से डिवाइड कर देंगे फाइव बाई फोर जो कि मोर देन वन आएगा सेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में वन से बड़ी ही होती है इलिप्स के केस में वन से लेस होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहां पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे ऊपर और यहां पे ए तो टू बी स्क्वायर अपॉन ए वैल्यू पुट करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी नाइन बाय टू ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसमें आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे ही गया होगा कि यहाँ पे वाई स्क्वायर पहले है दैट मीन्स ये सेकंड फॉर्म इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है तो बस यहाँ ए स्क्वायर किसके इक्वल है नाइन के तो ए कितना होगा थ्री बी स्क्वायर जो है वो किसके ट्वेंटी सेवन के इक्वल है तो बी कितना होगा स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट ट्वेंटी सेवन ठीक है और बस फिर ए मिल गया बी मिल गया फिर हम फाइंड करते हैं सी ए स्क्वायर प्लस अंडर दी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन जो कि थर्टी सिक्स होता है और थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट सिक्स तो सी आ गया आपका सिक्स तो ए बी सी तीनों मिल गए अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो फोकस वर्टिसेस सेंट्रिसिटी है ना क्योंकि मेरा जो फोकस है वो सेकंड फॉर्म की इक्वेशन है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ज़ीरो कोमा प्लस माइनस सी और सी की वैल्यू सिक्स है तो ज़ीरो कोमा प्लस माइनस सिक्स वर्टिसेस भी वाई एक्सिस पे होंगे तो ज़ीरो कोमा प्लस माइनस ए और ए की वैल्यू है थ्री तो ज़ीरो कोमा प्लस माइनस थ्री असेंटिसिटी के लिए आप सी को ए से क्या करोगे डिवाइड ठीक है सी को ए से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा थ्री बाई सिक्स बाई थ्री दैट मीन्स टू और लेटेस्ट रेक्टम टू बी स्क्वायर अपोन ए तो टू तो टू है और बी स्क्र कितना था ट्वेंटी सेवन ठीक है और ए कितना आया था थ्री तो डिवाइड करेंगे थ्री को ट्वेंटी सेवन को थ्री से ठीक है तो ऊपर नाइन नाइन टू जा एटीन यूनिट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी एटीन यूनिट्स नेक्स्ट थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर टू और वन है आप देख लीजिए एक बार ये में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे यहाँ पे देखिए थर्टी सिक्स है और हमारा जो हाइपर बोला है उसमें दूसरी तरफ वन होना चाहिए तो हम इसको थर्टी सिक्स से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वन बन जाएगा और यहाँ पे थर्टी सिक्स से डिवाइड करोगे आप नाइन से कट के कितना आ जाएगा फोर ठीक है और इस फोर को आप थर्टी सिक्स से जब डिवाइड करोगे तो अपन में आ जाएगा नाइन तो ये आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया बी स्क्वायर सी निकालेंगे उसके बाद हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं फोकस वर्टिस वगैरह सब कुछ ठीक है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसमें भी यहाँ पे इक्वल टू में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दे रखा है फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स बट हमारे यहार बोला में इस तरफ क्या होना चाहिए वन तो हम इस पूरी इक्वेशन को फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स से डिवाइड कर देंगे सिक्सटीन और फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा थर्टी सिक्स ठीक है और नाइन से फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स को कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिक्सटी फोर तो ये आ गया थर्टी सिक्स और ये आ गया सिक्सटी फोर ये हो गया मेरा ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर ए आएगा सिक्स बी आएगा एट सी की वैल्यू हम किस फार्मूला से निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी सी तीनों के मिलते ही आप राजा बन जाओगे और कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो ठीक है तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर वन ठीक है फर्स्ट फॉर्म की इक्वेशन है नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा पहले आया है तो इक्वेशन जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म में है ये क्वेश्चन सेम ही है थोड़ा सा अलग है बस यहाँ पे थर्टी सिक्स है तो पूरी क्वेश्चन को वन क्योंकि हमारे हाई पर बोला मैं दूसरी तरफ तो राइट हैंड साइड में वन होना चाहिए तो हम पूरी क्वेश्चन को थर्टी सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन और फाइव बाई थर्टी सिक्स नाइन बाई थर्टी सिक्स अब ये नाइन से थर्टी सिक्स तो कट हो जाएगा पो में क्या आ जाएगा फोर बट ये वाला तो डिवाइड नहीं होता है ना तो इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे थर्टी सिक्स बाई फाइव ठीक है ए स्क्वायर हमारा थर्टी सिक्स बाय फाइव और बी स्क्वायर है फोर और इक्वेशन जो है हमारी आप इस वाई स्क्वायर को देख सकते हो वाई स्क्वायर जो है वो फर्स्ट नंबर पे है पहले आ गया है दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो सेकेंड फॉर्म की इक्वेशन है और हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस होगी फोकस भी वाई एक्सिस पे होगा वर्टेक्स भी वाई एक्सिस पे होगा तो अब हम देखते हैं तो हाइपरबोला ए स्क्वायर जो है वो थर्टी सिक्स बाई फाइव है अब ये स्क्वायर जो है जब दूसरी तरफ जाएगा अंडर रूट थर्टी सिक्स बाय फाइव अब थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट तो सिक्स होता है और फाइव का अंडर रूट फाइव ठीक है तो सिक्स बाय अंडर रूट फाइव ए आ गया बी आ गया सी आप फाइंड कर ही लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके ठीक है तो यहाँ पर आएगा थर्टी सिक्स बाय फाइव और बी स्क्वायर आएगा फोर तो एलसीएम लेंगे फाइव थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी ठीक है फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा फ़िफ्टी सिक्स बाय फाइव ठीक है फिफ्टी सिक्स को मैं लिख सकता हूँ फ़ोटीन फोर ज़ार फोर्टीन फोर ज़ार फिफ़्टी सिक्स तो फोटीन का तो स्क्वायर रूट नहीं होगा पर फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू तो टू बाहर आ जाएगा तो टू अंडर रूट फोर्टीन बाय अंडर रूट फाइव ये कुछ टिपिकल सा सी आया है बट आया तो यही है डेटा है पर मेरा है है ना तो यहाँ पे ज़ीरो कोमा प्लस माइनस सी तो यहाँ पे हम एज़ इट इज़ इसकी वैल्यू रख देंगे जीरो कोमा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस टू अंडर रूट फोर्टीन बाई फाइव ठीक है और ए की वैल्यू सिक्स बाय अंडर रूट फाइव आई थी तो वह, वही वर्टेक्स में हम यूज़ कर लेंगे उसे ज़ीरो कोमा प्लस माइनस ए तो जीरो कोमा प्लस माइनस सिक्स बाय फाइव वर्टिस इज आगे इसेंट्रिसिटी सी बाय ए होता है सी है हमारा वन और ए है हमारा सिक्स बाय अंडर रूट फाइव जब डिवाइड करूँगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट फाइव बाई सिक्स रूट फाइव से रूट फाइव कैंसल इस टू से सिक्स कैंसल यहाँ पे आ जाएगा थ्री तो यह आएगा फोर्टीन बाय थ्री सब कुछ कट के कैंसल आउट होके तो थ्री बचेगा अपॉन में तो अंडर रूट फोर्टीन बाई थ्री लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम टू बी स्क्वेर अपोन ए तो टू तो टू है बीसकर की जगह फोर बीसकर की वैल्यू फोर है ना और ए कितना है सिक्स बाय अंडर रूट फाइव ऊपर जो है वो टू जार एट तो एट बाय सिक्स बाय अंडर रूट फाइव ठीक है और ऐसी प्रोकल होगा ये बन जाएगा रूट फाइव बाय सिक्स ठीक है और फिर जो है वो एट और सिक्स टू की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे ये बन जाएगा फोर अंडर रूट फाइव बाय थ्री थोड़ा सा अलग था बट प्रोसेस सेम था मतलब क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी अलग थी चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम है यहाँ पे आप सेवन हंड्रेड एट्टी फोर है दूसरी तरफ वन बनाने के लिए हम हाइपरबोला बोला के क्वेश्चन में जो वन होता है उसके लिए हम सेवन एट्टी फोर से डिवाइड कर देंगे जैसे ही हम सेवन एट्टी फोर से डिवाइड करेंगे तो फोटी नाइन के साथ सेवन एट्टी फोर कैंसिल हो जाएगा आप में बचेगा सिक्सटीन और सिक्सटीन के साथ सेवन एट्टी फोर कैंसल होगा तो बचेगा फोर्टी नाइन ये आ गया स्क्वायर बी स्क्र सी आप फाइंड कर ही लोगे आगे आपका कुछ आगे तो आप कर ही लोगे फाइन जब ए बी सी मिल गया सब कुछ हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे आपको कंडीशंस दी गई हैं आपको इक्वेशन बनानी है तो क्वेश्चन नंबर सेवन में जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे वर्टिस हैं आपके प्लस माइनस टू कोमा ज़ीरो और फोकस है प्लस माइनस थ्री कोमा ज़ीरो ठीक है जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको देखिए वर्टिस एक्स एक्सिस पे है और फोकस भी एक्स एक्सिस पे इक्वेशन बनेगी हमारी ये वाली इसमें एक्स स्क्वायर पहले आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है इक्वेशन बन गई अब देखिए फोकई से हमें मिलता है फोकई से हमें मिलता है सी तो सी की वैल्यू हो गई है थ्री और वर्टिस से हमें मिलता है ए तो ए की वैल्यू हो गई है टू अब आपको ए पता है और सी पता है बी आप फाइंड करोगे उसी फॉर्मूला से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र बी स्क्वायर साइड में रख लेंगे और ए स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्र की वैल्यू बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट फाइव ठीक है जब आपको बी पता है आपको ए पता है दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी ईजी है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेम सा ही है बस यहाँ पे जो फोकस है आपका वाई एक्सिस पे है ठीक है और फोकस और वर्टिस दोनों ही वाई एक्सिस पे हैं आपका जो फोकस है तो इक्वेशन बनेगी ये वाली सेकेंड फॉर्म ठीक है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोकस से मिल गया हमें सी वर्टिस से मिल गया ए बी हम फाइंड कर ही लेंगे तो बी की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट थर्टी नाइन तो ए फाइव है और बी है अंडर वूट थर्टी नाइन दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे आप इस इक्वेशन नंबर वन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो ए फाइव का स्क्वायर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और अंडर रूट थर्टी नाइन का स्क्वायर आ जाएगा थर्टी नाइन ठीक है और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी नेक्स्ट सेम एज़ क्वेश्चन नंबर एट बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर वर्टिस हैं और फोकस गिवन है फोकाई गिवन है ठीक है तो ये खुद से ट्राई करें ये थोड़ा अलग है यहाँ पे देखिए आपको फोकाई दिया है ठीक है और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस अब देखिए फोकाई दिया है पता है, लग रहा है कि एक्स एक्सिस पे है तो हमारा जो ट्रांस हाइपरबोला होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा इक्वेशन लिख लेंगे ठीक है इक्वेशन लिखने के बाद फोकई से हमें क्या मिलता है फोकई में ये जो वैल्यू है प्लस माइनस सी कोमा ज़ीरो ठीक है तो सी की वैल्यू आ गई फाइव अब आपके पास एक चीज़ तो आ गई सी कितना आ गया फाइव ठीक है इक्वेशन बन गई और सी की वैल्यू आ गई अब जो हमें गिवन है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस उससे हम कुछ फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है टू ए और टू ए जो है वो किसके इक्वल है एट के तो बेटा ए कितना आ जाएगा फोर सी पता लग गया ए पता है बी आप फाइंड करोगे ए फोर आ गया ठीक है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर हम सी और ए की वैल्यू रख देंगे और हमें मिल जाएगा बी जब ए आपको पता है और बी आपको पता है इक्वेशन में पुट कर दो इक्वेशन वन में और आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी ईजी है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है ठीक है तो आपको फोकस है आपका वाई एक्सिस पे है ना इक्वेशन बनेगी आपकी सेकेंड फॉर्म की यहाँ पे हमें सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी थर्टीन सी पता चल गया अच्छा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है टू बी टू बी कितना है ट्वेंटी फोर के इक्वल तो बी बेटा कितना होगा ट्वेल्व के इक्वल तो आपको बी पता है सी पता है तो इस फॉर्मूला से ए स्क्वायर भी तो फाइंड कर सकते हो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके तो ए कितना आ जाएगा फाइव ए पता चल गया फाइव और बी है ट्वेल्व तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्येर अपोन फाइव का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव और माइनस एक्स स्क्वायेयर अपोन बी का स्क्वायर यानी कि वन हंड्रेड फोर्टी फोर इज इक्वल टू वन ठीक है इक्वेशन वन में ए और बी की वैल्यू रखी और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी जस्ट अ सेकेंड बच्चों हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर हाँ इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन इलेवन हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे आपको फोकई गिवन है प्लस माइनस थ्री अंडर रूट फाइव कोमा जीरो अब ये एक्स एक्सिस पे है यानी कि क्वेश्चन हमारी होगी फर्स्ट फॉर्म में ठीक है ये फोकस से ही हमें क्या मिलता है फोकई से हमें मिल जाती है सी की वैल्यू तो प्लस माइनस सी होता है तो थ्री अंडर रूट फाइव हो गई सी की वैल्यू तो आपको सी मिल गया लेटेस्ट रेक्टम आपको गिवन है टू बी स्क्वायेर अपॉन ए इज इक्वल टू एट तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये थोड़ा सा अलग है तो टू बी एक तरफ रखेंगे ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एट एग्जाम्पल के जैसा है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए अब सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सी सी की वैल्यू हमें पता है थ्री अंडर रूट फाइव तो हमने यहाँ पे वो रख दिया थ्री अंडर रूट फाइव ए स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे बी की वैल्यू है फोर ए के इक्वल ठीक है तो यहाँ से हम मल्टी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए के टू वैल्यूज आएंगी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ए नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ए है ए है वर्टिसेस की ओरिजिन से डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते ठीक है ए बिंग डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव तो ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल रहेगा फिर फाइव के ठीक है और ए स्क्वायर जो है वो ए आएगा फाइव के इक्वल तो ए स्क्वायर आएगा ट्वेंटी फाइव तो ए स्क्वायर मिल गया बी स्क्वायर जो है वो फोर ए तो फाइव फोरजार ट्वेंटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू इक्वेशन वन में रखेंगे आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्टीन बिल्कुल क्वेश्चन ट्वेल्व के जैसा ही है ठीक है क्वेश्चन फोर्टीन थोड़ा सा अलग है देखते हैं वर्टिस गिवन है जो कि एक्स एक्सिस पे है यानी कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में है ठीक है और वर्टिस से हमें ए मिल जाता है तो ए कितना है सेवन ए कितना है सेवन तो ए स्कोर कितना होगा फोर्टी नाइन चलिए अच्छा दूसरा यहाँ पे असेंट्रिसिटी गिवन है हमें अब की बार वर्टिस के साथ इसेंट्रिसिटी पता है तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाय ए जो कि कितना है फोर्टी फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री ठीक है फोर्टी फोर नहीं फोर बाय थ्री तो C इज़ इक्वल टू फोर ए बाय थ्री बेटा ए की वैल्यू कितनी है सेवन तो यहाँ पे हम सेवन रखेंगे सेवन फोर जान ट्वेंटी एट तो ये बन जाएगा ट्वेंटी एट बाय थ्री सी की वैल्यू आ गई ए कितना है सेवन सी आपको पता है तो बी स्क्वायर इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप बी निकाल लोगे बी स्क्वायर कितना आया थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री बाई नाइन ठीक है दोनों की वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम सेवन तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन सी स्क्वायर है ट्वेंटी एट बाई थ्री का स्क्वायर तो ट्वेंटी एट का स्क्वायर कितना होता है सेवन हंड्रेड एट्टी फोर और थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन ठीक है एलसीएम लेंगे नाइन या आएगा सेवन हंड्रेड फोर्टी एट्टी फोर माइनस फोर्टी नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई कर लेना यह आ जाएगा फोर हंड्रेड फोर्टी वन तो माइनस करेंगे आएगा थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री अपॉन नाइन बेटा आपको बी स्क्वायर मिल गया जरूरी नहीं है आप इसका स्क्वायर रूट करने बैठ जाओ हमें बी स्क्वायर ही चाहिए होता है इक्वेशन में तो हमें बी स्क्वायर मिल गया हमारा काम हो जाएगा ठीक है ए स्क्वायर की वैल्यू थर्टी फोर्टी नाइन और बी स्क्र की वैल्यू थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री दोनों वैल्यूज़ उठा के हमने इक्वेशन वन में रख दी हमारी इक्वेशन वैसे बन चुकी है आप चाहो तो आंसर को यहीं छोड़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप LCM ले लेना एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो आपकी क्वेश्चन बन जाएगी ठीक है चाहो तो आप यहीं पे छोड़ दो यहाँ तक भी आपका ठीक है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बस इस पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है जो अलग है तो देख लीजिए इसे वो कई गिवन है जीरो कोमा प्लस माइनस अंडर रूट टेन तो ये मेरा यहाँ से फोकस से हमें पता चल रहा है फोकई को देख कि इक्वेशन सेकंड फॉर्म में जाएगी वाई एक्सिस पे है ना फोकस वाई एक्सिस पे है तो हाईपर बोला की इक्वेशन सेकंड फॉर्म वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्सक्वायर अपॉन बी स्क्र इजकल टू वन या तो ईजी है अच्छा फोकई गिवन है तो सी भी मिल गया हमें सी कितना है अंडर रूट टेन सी मिल गया चलिए अब जो मेरा ये हाइपर बोला है ये टू कोमा थ्री से पास हो रहा है टू कोमा थ्री से पास हो रहा है चलिए इसे हमें यूज़ करना है पर अभी नहीं करते तो बेटा जो आपका C है C कितना है अंडर रूट टेन बेटा C जो होता है वो ए e के इक्वल होता है है ना क्योंकि E इज़ इक्वल टू सी बाई ए होता है और अगर यहाँ से मैं C फाइंड करूँ तो ए E के इक्वल आएगा या नहीं आएगा ठीक है तो C इज इक्वल टू ए तो ए e की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है अंडर रूट टेन ठीक है अब देखिए हमें पता है एसेंट्रिसिटी क्या होती है सी बाय ए होती है अगर हम स्क्वेयरिंग बहुत साइड कर दें तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बेटा सी स्क्वायर की वैल्यू रखती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ गया है ना सी स्क्वायर की वैल्यू रख दी ऊपर अब यहाँ से ये जो ए स्क्वायर है जब ये दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो ये ए स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस होगा ठीक है और ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या बन जाएगा ए ई e का स्क्वायर ए ई की वैल्यू है ऊपर अंडर रूट टेन तो अंडर रूट टेन का स्क्वायर तो ये बन गया टेन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया वो बन गया टेन तो बेटा बी स्क्वायर जो आया है वो आया है टेन माइनस ए स्क्वायर इक्वल ठीक है आप चाहो तो ये इतना काम झाम करने की बजाय आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर माइनस वन ठीक है ये रिलेशन याद रख सकते हो ए, ए और बी में ठीक है और वहाँ से आप डायरेक्ट इस इस इक्वेशन पे आ जाओगे और यहाँ से आप अंडर रूट टेन ए ए की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू पुट करके यहाँ से आपको बी कितना आ जाएगा टेन माइनस ए स्क्वायर ठीक है तो अब इक्वेशन वन जो है वो है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी था तो बी की जगह हम लिख देंगे टेन माइनस ए स्क्वायर ठीक है ये बन गई इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है ये हाइपरबोला की ही इक्वेशन है बस यहाँ पे बी की वैल्यू हमने ए की फॉर्म में फाइंड कर ली है अब हम क्या करेंगे अब मेरा जो हाइपर बोला था वो टू कोमा थ्री से पास हो रहा था तो हम यहाँ पे एक्स के प्लेस पे टू रख देंगे और वाई के प्लेस पे थ्री रख देंगे तो टू का स्क्वायर ऊपर आ गया फोर और थ्री का स्क्वायर आ गया नाइन तो ये बन गया नाइन बाय ए स्क्वायर माइनस फोर बाय टेन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब इसे सॉल्व करो दोनों का एल्शियम कितना आएगा ए स्क्वायर और टेन माइनस ए स्क्वायर का एल्शियम आएगा ए स्क्वायर इंटू टेन माइनस ए स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल नाइन इंटू टेन माइनस ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस फोर अब ये देखो टेन माइनस ए स्क्वायर से टेन माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर फोर से मल्टीप्लाई होके आएगा फोर ए स्क्वायर ठीक है अब हम क्या करेंगे इनको ये जो अपोन में है ये दूसरी तरफ जाके वन से मल्टीप्लाई होके ये बन गया ठीक है अब हमें इसको मल्टी मल्टीप्लाई करके देखना है और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये वाले यहाँ पे ए की पावर है फोर ठीक है और ए जो सेकेंड नंबर पे है वहाँ पे एक्स होता था या ए होता था यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी थ्री ए स्क्वायर प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मेरी इसको सॉल्व करेंगे वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से बेटा यहाँ पे क्या है नाइन्टी तो नाइन्टी को ब्रेक करेंगे ट्वेंटी थ्री सम होना चाहिए तो एटीन फाइव आर नाइन्टी और एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री तो माइनस एटीन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से ए स्क्वायर की टू वैल्यूज़ आएंगी एटीन और फाइव अब एटीन और फाइव टू वैल्यूज़ आ गई अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए c हमेशा ए स्क्वायर से बड़ा होता है दैट मीन्स c का स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होगा बेटा c c कितना है अंडर रूट टेन है है ना a c कितना आया था अंडर रूट टेन तो c का स्क्वायर कितना है टेन c का स्क्वायर कितना है टेन यानी ए स्क्वायर जो होगा वो टेन से हमेशा छोटा होगा तो एटीन नहीं हो सकता है ना टेन से तो बड़ा हो गया ये तो एटीन को हम कैंसिल कर देंगे यानी ए स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होगा सिर्फ फाइव के इक्वल ठीक है क्योंकि सी जो है वो ए से बड़ा होता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होगा अब सी स्क्वायर मेरा टेन है तो टेन से छोटा नंबर ए स्क्वायर क्या होगा टेन से छोटा दैट मीन्स फाइव होगा एटीन नहीं होगा तो यहाँ से मुझे ए स्क्वायर मिल गया और मैंने जो रिलेशन बी स्क्र किस किसके था टेन माइनस ए स्क्वायर के तो जैसे ही मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मुझे बी स्क्वायर मिल जाएगा फाइव बेटा आपको ए स्क्वायर पता है बी स्क्वायर पता है दोनों को इक्वेशन वन में पुट कर लेना आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी ठीक है तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन ही थोड़ा अलग था बाकी तो सेम ही थे सभी क्वेश्चंस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक यू बच्चों, बाय बाय